रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ढिंगरा क्लासेस के एक वो होनहार बच्चे से जिसने सक्सेस के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके स्टडी करने के तरीके के बारे में, और उन्होंने कितने एग्जाम्स दिए और उन्होंने क्या टारगेट रखे पढ़ाई की, वो सब हम आपको आज बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, मेरा नाम कलीम खान है और मैं बीकानेर से हूँ। मेरे मदर फादर दोनों टीचर हैं और मैंने अपना बीटेक जेसीआरसी जयपुर से कंप्लीट किया 2000 के बाद। फिर मैं यहाँ पे आया ढिंगरा क्लासेस में आके मैंने 3 महीने कोचिंग ली। उसके बाद मैंने लगातार 14 एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, 14 एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और लगभग हर बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम और इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को अपना क्रेडिट देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया जब मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, और मेरे मम्मी पापा, और सबसे बड़ी बात जब मैं यहाँ पे कोचिंग लेने आया पवन सर और पुनीत सर को, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ऑफिसर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की मुझे ट्रेनिंग दी। और उसके बारे में आप कुछ अपने एग्जाम्स के बारे में बताइए जो जो आपने दिए हैं, ताकि बच्चे भी जान पाए उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने आरआरबी क्लर्क और पीओ दिया, उसमें हो गया। फिर आईबीपीएस क्लर्क, फिर मणिपाल का एग्जाम सिंडिकेट मणिपाल, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आईआरडीएस असिस्टेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें सिलेक्शन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर, उसमें क्लियर हो गया। नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर का हो गया था, प्री उनका क्लियर हो गया था। और उसके साथ साथ LIC AAO में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, LIC ADO में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो मिला के SSC CPO में मेरा सिलेक्शन हो गया, SSC CGL में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 14 एग्जाम्स अभी तक लगातार मेरे क्लियर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने लगातार 14 एग्जाम्स, पेशेंस रखा मैंने बहुत अच्छा पेशेंस और हार्डवर्क कैसे, आप स्टडी कैसे करते हैं, आपका पैटर्न क्या था पढ़ने का डेली, मतलब कितना घंटे? मेरा ये रहता है कि कोई भी 3 सब्जेक्ट आप अगर स्ट्रांग हो, उनको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, तो आपका आधा सिलेक्शन वहीं हो जाएगा। तो मेरी रीजनिंग, जीके और इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग था, कहीं होगा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे। और मतलब आपने सिर्फ बैंकिंग लेके चले थे या और भी अल्टरनेटिव्स लेके चले थे कि मुझे सभी एग्जाम्स लेने? मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस, जो एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस, वो मैंने टारगेट रखा था, क्योंकि दोनों ही जॉब ऐसी है जिनका आगे फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है, और दोनों ही एक ऐसी है जो बहुत ग्रोइंग सेक्टर है अभी। तो मैं, और इंग्लिश के बारे में आप कुछ बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के मन में झिझक होती है इंग्लिश के लिए, तो आप बताइए किसे क्या कर सकते हैं कि अगर हम रेगुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर 2 घंटा रेगुलर ईमानदारी ऑनेस्टी से 2 घंटा अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी हो जाएगी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक कंडीशन है जो प्रोवाइडेड है कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए, मैं बोलता हूँ कि जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो क्या बात ही रहती है, वो क्या बात ही रहेगी कि सेंटेंस ये इस मीनिंग का यूज किस सेंटेंस में हो रहा है। तो आप अपनी डिक्शनरी लीजिए और एक कॉपी बनाइए, उसमें जो भी वोकैब के वर्ड्स आते हैं उसको नोट कीजिए, पूरा सेंटेंस लिखिए कि किस वर्ड्स को कहाँ यूज़ हो रहा है, वो चीज़ आपको वाकई में वोकैब इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगी। ढिंगरा क्लासेस के बारे में ये बोलूँगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी, मेरे एक आशीर्वाद था भगवान का, जो मेरे भगवान ने बोला कि तू इस क्लास में जाएगा या यहाँ ज्वाइन करेगा तभी तेरे सिलेक्शन होंगे। तो ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, मैं यहाँ पे आया, टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया और बहुत अच्छा इंसान बनाने के बहुत प्रेरणा देते थे, बहुत अच्छी मॉरल स्टोरीज बना सुनाते थे सर, अच्छा आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे, और कभी भी हिम्मत ना हारने की जो मेरे को सीख मिली वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करती। तो आप अपनी सक्सेस का मूल मंत्र बच्चों को बताइए कि वो भी अपनी लाइफ में से फॉलो कर सके। सक्सेस का एक मूल मंत्र मैं बताना चाहूंगा, मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगा आपके, कि रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मिले, और आप आई टाइम निकाल के हमारे बच्चों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।